आइए दोस्तों, अब जानेंगे कैसा रहेगा साल 2016 मीन राशि वालों के लिए। तो आज गणेशा की प्रिडिक्शन के हिसाब से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आप ड्रीमी जो इमेजिनेशन है उससे आप बाहर निकलकर रियलिटी से, यानी जो रियल वर्ल्ड है उससे आप कनेक्ट करेंगे और अपने गोल्स तक पहुंचेंगे इस साल आप। और लेकिन इस साल आप कुछ हार्श डिसीजंस भी लेंगे दोस्तों, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, चाहे उससे कुछ लोगों को हर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में इससे आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन कुछ कनिंग पीपल्स हैं फ्रेंड्स, उनसे आपको सावधान रहना होगा और नहीं तो वो आपको डेंजर जोन में डाल सकते हैं। इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ना लें इस साल, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को करें जिनको करने के लिए आप कैपेबल हैं दोस्तों। प्रोफेशन और फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आज गणेशा एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन के हिसाब से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल आपके करियर के प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे और आपका फाइनेंशियल सेंस जो है दोस्तों वो आपको फेल बिल्कुल नहीं होने देगा और आप ग्रेट फाइनेंशियल डिसीजंस इस साल लेने वाले हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स आपने लास्ट ईयर साल 2015 में आपने शुरू किए थे, इस साल वो पूरे हो जाएंगे। आप अगर अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस अगर करके रखेंगे, तो आपका हाथ पूरा साल पैसों से भरा रहेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहें, उन दोस्तों के आंसू देखकर आप बिल्कुल ना पिघले जो आपसे उधार मांग रहे हों, क्योंकि आपको पैसा वापस देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिर साल 2016 आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, आपका जो बिजनेस है बिजनेसमैन के लिए, ये आपको हायर फर्म के साथ कोलैबोरेट करेगा और जो आपके बिजनेस को न्यू हाइट्स तक लेकर जाएगा। अगर आप आर्ट फील्ड से हैं तो आपकी क्रिएटिविटी एक मास्टरपीस बन जाएगी इस साल और आपको नेम और फेम दिलाएगी, आपका टैलेंट आपको नाम दिलाने वाला है इस साल। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो लव और रिलेशनशिप के लिए साल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो खुद जमीन पर आकर आपकी लव लाइफ के लिए आपको ब्लेस करेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में अनहैप्पी हैं तो आपको इस साल उन लोगों से छुटकारा पाने में हेल्प मिलेगी और आप लॉयल पर्सन जो हैं वो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों जब रिलेशनशिप में चीजें गलत जाने लगें या चीजें खराब होने लगें तो अपनी फीलिंग्स को बताने से बिल्कुल ना डरें, आप बिल्कुल फ्रैंक रहें। रिलेशनशिप जो है वो ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन आपकी जो पास्ट लव लाइफ है वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है, लेकिन आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ पीस और हार्मनी के साथ स्टिक रहें एकदम, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपकी लाइफ एक्साइटिंग रिलेशंस के लिए एक्साइटमेंट से फुल रहेगी आपकी लाइफ। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करते हैं तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा वर्क प्रेशराइजिंग थोड़ा सा रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको साल के फर्स्ट क्वार्टर में, साल के फर्स्ट हाफ में आपको अपनी फैमिली और वर्क में से किसी एक को चूज करना होगा। लेकिन साल का जो दूसरा हिस्सा है, साल के सेकंड पार्ट में, आप अपने बच्चों को और फैमिली को इनफ टाइम देंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस देगा और रिलैक्स भी करेगा।
आप सोशल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपने पुराने दोस्तों से भी इस साल मिलने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, ये जो साल है साल 2016, ये आपको बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझाएगा और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप इस साल पहला कदम लेंगे। ये जो साल है ये आपको गुड हेल्थ और चेयरफुल लाइफ के लिए प्रॉमिस करता है, लेकिन स्मॉल हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, मगर आप थोड़े से पेशेंस और अच्छी डाइट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप थोड़ा सा इस साल डिप्रेस्ड हो सकते हैं और आपको इसके लिए अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आप काफी सेंसिटिव पर्सन हैं और इजीली स्ट्रेस हो सकते हैं आप। तो आपको अपनी सोल हीलिंग करने के लिए सोल हीलिंग एक्टिविटी में आप इनरोल्ड हो, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं या योगा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स काफी फील होगा। आप अपनी सोल से कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप में इनबॉर्न स्पिरिचुअलिटी है। ट्रेवल पर आते हैं दोस्तों, ट्रेवल की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए जो साल है 2016 ये गुड नोट से स्टार्ट होगा। आपको काफी विजिट्स का चांस मिलने वाला है दोस्तों और प्रोफेशनल ट्रिप आपको इस साल फाइनेंशियल गेन कराएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अब्रॉड जाकर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको इस साल के मिड तक वीजा मिल जाएगा। अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करें दोस्तों और आप एंजॉय करेंगे, इससे आप हैप्पी भी फील करेंगे। ओवरऑल ये जो ट्रिप है दोस्तों ये करेगा क्या, ये आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप जॉब में हैं तो एक किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको फॉरेन कंट्री में विजिट का चांस मिलेगा और आप वहाँ एक साल तक आपका जो स्टे है वो एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप बाहर परमानेंट सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये सही वक्त अभी नहीं है, बेहतर होगा कि आप अपनी होम कंट्री में ही स्टे करें, वेकेशन को एंजॉय करें और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपका जो लव है, आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो स्ट्रांग हो और आपका रोमांस एवरग्रीन रहे।